जी हाँ, अभी अभी वो डिसीज़न लिया है वीर ने और अमृता ने कि हम नहीं बताएंगे किसी को कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यही बीजी से बात हो रही होती है और तभी निम्रता आंटी वहाँ आके मुझे अपने कमरे में ले आती हैं और वो कपड़े दिखाने लगती हैं रिया के लिए। और पर मेरा ध्यान तभी भी अमृता की तरफ है और मैं बोल देता हूँ कि ऑरेंज अमृता का फेवरेट कलर है। और इसी चीज़ से उदास होकर वो मुझे समझाने लग जाती है, समझाने के धमकाने लग जाती है कि बाबूजी के एहसान मत भूलो और तुम तो कहते हो कि उनका हुक्म सर आँखों पे और ये सारी चीज़ें कर रहे हो उसके बारे में भूल जाओ। तो मेरे पहली बार वीर उनको जवाब दे रहा है कि ये जो आप धमकाने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो ये ठीक नहीं है। मुझे पता है बाबूजी ने मेरे लिए क्या किया और मुझे पता है कि मेरा क्या डिसीजन है। सो नेक्स्ट टाइम ये प्लीज़ मेरे साथ ट्राई मत करना। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन उसने सुन भी ली है कहीं ना कहीं। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से वो इस पे रिएक्ट करने वाली है या क्या उसका डिसीजन होगा इसके बाद। तो उसके लिए तो मुझे भी वेट करना पड़ेगा और आपको भी। बस करीब आते आते बार बार दूर हो जा रहे हैं और अब तो प्यार का इजहार भी हो गया है। और लेकिन वो खुशी को उस इमोशन को सिंक इन कर पाते, समझ पाते उससे पहले ही वापस से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ा कि हम नहीं रह सकते साथ और यही सबकी भलाई के लिए होगा। तो आई थिंक वो प्यार और वो दर्द दोनों देखने में आपको मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, वो इंटेंसिटी जो है वो प्यार की वो बढ़ चुकी है अब दोनों के, तो वो दर्द में भी मज़ा है, आप वो इंजॉय कीजिए फ़िलहाल। वही उस वक्त मैं बीजी को ये बताने आ रहे होते हैं हम लोग कि हम ये शादी नहीं बता सकते बाबूजी को मेरे और अमिता के प्यार के बारे में और मैं ये सगाई करूँगा, पर वो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पे नहीं बता सकते और रिया इतनी ज़्यादा खुश है इसीलिए ये फ़ैसला लिया है। तो इसलिए बीजी अलग से मुझे और अमिता को ले जाती है और वहाँ पे उनके सामने हम ये सारी बातें करते हैं कि बीजी इसी में ही सबके लिए अच्छा होगा कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, बड़ी मुश्किलों से एक परिवार में खुशी आई है तो उसे नहीं ख़राब करते। जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ रिलेशनशिप्स को लेके स्पेशली। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता हूँ और भाई मॉम डैड ये तो रिश्ते जो हैं वो हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जो हम चुनते हैं जो कि दोस्त होते हैं हमारे, मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे कुछ ऐसे लोग मेरी लाइफ में मिले हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ। तो उस जर्नी में मेरी मॉम का, मेरे डैड का, मेरे भाई का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा एक योगदान है। तो प्यार तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और जो एक पार्टनर की बात करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। मैंने वैलेंटाइंस डे बहुत ही जैसे प्लान्स लोग करते हैं या एकदम डेट वेट पे जाते हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं वैसा कभी सेलिब्रेट नहीं किया है। मुझे लगता है हर दिन आपको अपने पार्टनर को फील कराना ज़रूरी है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कहना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद वो दिखाना बंद कर देते कि यार है ही ना। तो वो इजहार करना, बार बार याद दिलाना कि मैं हूँ और मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुमसे आई एम विद यू इन एनी कंडीशन, और वो प्यार का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। और फ्लावर्स भी अगर आपको भेजने हैं, अगर स्पेशल फील कराना है तो वो आप किसी भी दिन करा सकते हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। और आज के दिन तो खैर सब जगह इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लव बर्ड्स होते हैं उसमें हम चले जाएंगे तो फिर तो वो बल्कि वो जो आप आई थिंक प्राइवेट मोमेंट या फिर एक स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बाकी लोगों का ध्यान उल्टा आप पे ज़्यादा आ जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हैं, आप अपनी फैमिली में, अपने जितने भी आपके रिलेशन हैं, नॉट जस्ट योर लवर, उन सबको स्पेशल फील कराएं और उन सबको रियलाइज़ कराएं कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और आप कितने ज़्यादा थैंकफुल हैं, उनका होना आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो और आप सबको वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, स्प्रेड द लव।